नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको मां वर्ण से बहुत ही आसानी से मोर का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मां वर्ण से मोर का चित्र। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और आपको यहाँ पर ऐसे मां वर्ण आसानी से लिखना होगा। अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ से दोस्तों ये वाला सिरा आपको हल्का सा घुमाते हुए इधर ऐसे बढ़ाना होगा। इस तरह आप घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसको ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा। जब आप अंदर की तरफ कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से आप इसको डबल कर दीजिए। डबल हो जाने के बाद ऊपर के साइड में आपको कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करना है और छोटे छोटे पॉइंट लगा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसानी से बनाना सिखा देंगे। अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये वाला सिरा आपको हल्का सा अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसे करना है, फिर इसको आगे की तरफ आपको हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए बढ़ाना होगा। बढ़ाते हुए ध्यान दीजिएगा, इधर से आपको दोस्तों यहाँ से इधर से बाहर की तरफ करना है। इसको घुमाते हुए यहाँ तक आप बढ़ाइएगा। ये वाला सिरा आपको अंदर के सिरे में यहाँ पर मिलाना होगा। ऊपर के साइड से आप वी लेटर लिखिएगा, एक छोटा सा आप पॉइंट लगा देंगे। देखिए कितनी आसानी से पिकॉक का चित्र बनके तैयार होने वाला है। आपको दोस्तों इसको और ऊपर की तरफ बढ़ाना है, हल्का सा अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, और इधर लाकर ऐसे मिला दीजिए। अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आपको दोस्तों नीचे के साइड में पिकॉक का लेग बनाना है। पहले आप डबल लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको हम नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ से बढ़ाइए, इधर से आप हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ाइएगा। आपको इधर से एक इसका फिंगर बनाना है, यहाँ से बनाते हुए इधर मिलाएंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, इधर डबल कर देंगे, अंदर की तरफ कर दीजिए। छोटी छोटी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों, इधर से आपको यहाँ पर इसका पंख बनाना है। ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, हल्का सा यहाँ पर अंदर बाहर की तरफ करते हुए इधर आप मिला दीजिएगा। बीच में दोस्तों आपको एक छोटा सा ओवल शेप बनाना है, इसको डबल करना है। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करते जाइएगा। इस साइड से आपको छोटे छोटे हाफ ऑफ सर्किल बनाने होंगे। तो गाइज, ये हमारा बहुत ही आसानी से मां वर्ण से मोर का चित्र बनके तैयार हो गया है। तो चलिए यहाँ पर हम यही सेम प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं और आसानी से इस मोर को कलर भी करना हम सीख लेते हैं।